राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सीओ संजीव चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पदमपुर पुलिस थाना एसएचओ सुरेंद्र राणा की टीम ने दबिश देकर 8 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा है। वहीं पदमपुर पुलिस की दूसरी टीम ने दबिश देकर जलौकी निवासी तस्कर करमजीत सिंह को 2 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। इसी तरह अन्य जगह पर भी कार्रवाई की गई है। सीओ संजीव चौहान ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। श्रीगंगानगर से ब्यूरो चीफ मंजीत सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की ये 100 दिवसीय कार्य योजना में ये रखा गया है कि क्षेत्र में अवैध मादक तस्करी, नशा या ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उन पर हमें 100% लगान लगानी है। तो इसी के क्रम में श्रीमान डीजीपी साहब पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आईजीपी साहब और गौरव श्रीवास्तव जी हमारे श्रीगंगानगर के एसपी हैं, तो उनके दिशा निर्देश में हमारा सर्किल श्रीकरणपुर के थाने अच्छी तरह से कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने इसी के तहत पिछले 5-7 दिनों में हमने काफ़ी कुछ कार्रवाई की है, जिसमें पोस्ट भी पकड़ा है, नशे की गोलियां भी पकड़ी है, अवैध शराब भी पकड़ा है, पिस्टल भी पकड़ा है। और एयर डोमिनेशन के तहत जो श्रीमान एसपी साहब द्वारा समय समय पर हमें टारगेट दिए जाते हैं उनको हमारा स्टाफ पूरा करने का प्रयास करता है। तो कल ही हमने काफ़ी कार्रवाई की है, जैसे नशे की गोलियां कैसे सिंहपुर थाने से पदमपुर में करीब 2 लाख के आसपास का जुआ भी पकड़ा है। और इसके अलावा गमुड़वाड़ी थाने में हमने शराब की कार्रवाई की है, पदमपुर में NTPS की कार्रवाई, पोस्ट की भी कार्रवाई की है। तो इस प्रकार हमारा ये जो अभियान है जारी रहेगा।